अभी तक आपने रेल मेट्रो का नाम सुना होगा, अब सरयू नदी में वाटर मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है। इस वाटर मेट्रो का शुभारंभ भव्य दिव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यजमान बनकर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से कराने की तैयारी की गई। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 2 फ्लोटिंग जेटी भेजे जा चुके हैं। भेजे गए ये दोनों फ्लोटिंग जेटी मंगलवार की शाम तक अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या आने वाले इन दोनों जेटी में से एक संत तुलसी घाट दास पर रखा जाएगा तो दूसरा गुप्तार घाट की शोभा बढ़ाएगा। नाविक टुनटुन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन दोनों नावों को जलमार्ग से अयोध्या पहुंचने में 14 दिन का समय लग गया है और नाविकों की मेहनत लगी। उन्होंने आगे बताया कि हाजीपुर से पहले ये दोनों चेट्टी 28 नवंबर को पटना आए और फिर पटना से निकलकर 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे। इस मेट्रो की खास बात ये होगी कि इसका किराया बेहद सस्ता होगा और आसानी से सरयू घाटों का दर्शन करने के साथ पूरी अयोध्या का भ्रमण किया जा सकेगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। कितने पीस लाएंगे? 2 पीस है। कैसे आपके साथ कितने और वर्कर हैं? आदमी है 16 आदमी। 16 आदमी कितने नाव से खींचा है आप? तीन नाव से है। कितने दिनों में खींच के यहाँ पहुँचे हैं अयोध्या पे आप? 16 दिन हो गया है। एक दिन में कितने किलोमीटर की सफर किया है आपने? ये कहो तो 10 किलो 15 किलोमीटर चल रहा है, कहो 300 किलो चला, जैसे पानी मिला तैसे चला, तो कहूँ 15 किलोमीटर दिन भर आ जाते हैं। तो ये कहाँ और गया छोड़ने आपको? अयोध्या गुप्तार घाट। एक गुप्तार घाट छोड़े, अयोध्या छोड़े। क्या नाम आपका? टुनटुन महतो बिंद। कहाँ से आप? कहाँ से? हमारा हाजीपुर पटना पड़ता है घर। पटना पड़ता है। ये किस विभाग का है जो आप लेकर के आए? ये तो है कि मोदी के विभाग के, मोदी के विभाग के हैं। मोदी के विभाग का ये जो अभी आई है ये जेटीज हैं, और ये जेटीज हैं, इनको स्थापित कराया जाएगा एक गुप्तार घाट पे, एक नया घाट पे, और इसके बाद फिर IWAI द्वारा, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक बोट भेजी जा रही है। वो बोट 50 सीटर बोट होगी और वो लग्जरी बोट होगी, 50 सीटर होगी, और वो जनवरी 10 तक यहाँ पर पहुँचेगी। ऑलरेडी चल चुकी है कोचिन से, यहाँ पर आने में कुछ समय लग रहा है उसको। साथ ही 2 सोलर बोट्स हमको प्राप्त होंगी, वो भी इन्हीं 2 जेटीज के माध्यम से संचालन किया जाएगा उसका, और वो हमको मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक वो दोनों बोट्स आ जाएंगी। तो सर ये सब मिला के 5 बोट होंगी? 5 बोट्स नहीं, जो 2 आई हैं ये बोट्स नहीं है, ये जेटीज हैं। ये जेटीज का उद्घाटन कब होगा, कब से? अब ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय और CM ऑफिस से तय होगा, अभी कहना मुश्किल है। ये माना जाए कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रद्धालुओं के लिए, अभी जब तक कुछ आधिकारिक रूप से मिल ना जाए हमको जानकारी, तब तक बताना उचित नहीं है। पर उसको हम लोग अभी टेस्ट के रूप में चलाएंगे, उसको संचालन प्रारंभ करेंगे ताकि उसको चेक कर सकें, उसका संचालन कोई कठिनाइयाँ आ रही हो दूर की जा सके, उसका संचालन हम लोग प्रारंभ कर देंगे। पर जो औपचारिक उद्घाटन है उसके लिए जब अनुमति ऊपर से प्राप्त होगी तब किया जाएगा।